ज्योतिष आचार्य जी, योगिनी एकादशी कब है और किस नक्षत्र में योगिनी एकादशी मनाया जाएगा, इस पर क्या संयोग बन रहा है? हर हर महादेव। जय बाबा विद्यनाथ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत करने से कुष्ठ रोग, यदि कुष्ठ का रोगी है और उस दिन वह व्रत करता है तो निश्चित उस एकादशी व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ समाप्त हो जाएगा। बहुत लंबा बीमारी है तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करें तो बीमारी नष्ट हो जाएगा। यह श्लोक कुष्ठो नश्यति वे ध्रुवम, निश्चित रूप से उसका कुष्ठ बीमारी ठीक होगा। तो इस वर्ष आषाढ़ माह के 2 जुलाई को, 2 जुलाई मंगलवार पड़ रहा है, संयोग इस वर्ष बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि योगिनी एकादशी मंगलवार को और भरणी नक्षत्र के संयोग में पड़ रहा है, इसलिए ऐसे एकादशी के व्रत करने से कुष्ठ रोगी निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाते हैं।